अगर एम्प्लॉयर की तरफ से अगर कोई चेंज आएगा तो वो भी क्लेम है, ठीक है। दीज आर यूजुअली रेफर्ड टू एज अ कंस्ट्रक्टिव एंड कन्वीनियंट चेंजेस, देयर आर मेनली ड्यू टू एक्स्ट्रा वर्क्स और एक्सेसिव इंस्पेक्शन ऑफ द वर्क्स, ठीक है। क्लाइंट अगर ज्यादा एक्सेसिव इंस्पेक्शन कर रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रा मतलब एक तरह से एक्सेसिव इंस्पेक्शन भी कॉन्ट्रैक्टर को क्लेम करने के लिए क्लेम कर सकता है उसके लिए भी। क्योंकि अगर एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, वो अगर अगर मान लो क्या हुआ कि आज कास्टिंग होनी थी लेकिन क्लाइंट ने एक बार इंस्पेक्ट किया, फिर कोई रिप्लाई नहीं दिया कास्टिंग का, फिर कह रहा है मैं दोबारा से इंस्पेक्ट करूंगा, फिर उसका सीनियर आता है इंस्पेक्ट करने के लिए, ठीक है। मान लो तीन तीन लेयर से इंस्पेक्ट हो रहा है, तो वो एक दिन अगर वेस्ट होता है, अगर एक दिन डिले होता है और डिले होके अनदर डे जाता है, अनदर डे मान लो कुछ हो गया, फिर वो यानी 2 दिन डिले चला गया, तो ऐसे केसेस में ये क्लेम हो सकता है। प्रोजेक्ट डिले इस चीज से भी हो जाते हैं अगर एक्सेसिव इंस्पेक्शन हो रही है, तो इसका भी माइनर इफेक्ट पड़ता है, लेकिन पड़ता जरूर है प्रोजेक्ट पे। मतलब माइनर मतलब इतना भी नहीं, जैसे 1% से 2% तक भी पड़ता है पूरा टाइम ड्यूरेशन में। फिर क्या है, दे आर यूजुअली इनिशिएटेड बाय एन एक्शन और इन एक्शन बाय द एम्प्लॉयर और इंजीनियर, दे आर यूजुअली रिजल्टिंग इन अ बेनिफिट टू द एम्प्लॉयर दैट एक्सीड्स द डिलीवरेबल्स ऑफ द एग्रीमेंट, डिलीवरेबल्स ऑफ द एग्रीमेंट। अगर चेंजेस होते हैं तो वही है कि बेनिफिट तो एम्प्लॉयर को जा रहा है, दैट एक्सीड्स द डिलीवरेबल्स ऑफ द एग्रीमेंट, ठीक है। अगर कोई मतलब उसे ज्यादा चीजें मिल रही है, ठीक है, लेकिन वो भी एक कॉन्ट्रैक्टर तो क्लेम करेगा ही ना उस चीज का। अब दे टेंड ऑलवेज टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द वर्क, ठीक है। अब दे टेंड ऑलवेज टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द वर्क डन, ये लाइन रहने दो। अब देखो क्या है, दे आर यूजली इनिशिएटेड बाय एन एक्शन और इन एक्शन, ये ठीक है। दे आर यूजली रिजल्टिंग इन अ बेनिफिट टू द एम्प्लॉयर दैट एक्सीड्स द डिलीवरेबल्स ऑफ द एग्रीमेंट, इतना क्लियर है ये लाइन है लाइंस। हाँ सर, एक बार फिर से थोड़ा लास्ट वाला बता दीजिए सर। दे आर यूजली रिजल्टिंग इन अ बेनिफिट, मतलब कोई भी अगर कुछ भी चेंज करवा रहा है एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर का बेनिफिट है ना इसमें, है ना। अब क्योंकि उसका डिलीवर जो 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 कॉन्ट्रेक्टर जो डिलीवर करेगा वो ज्यादा डिलीवर कर रहा है, एक्सीड हो रहा है एग्रीमेंट से, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, फिर कॉन्ट्रेक्टर भी तो क्लेम करेगा ही, है ना। तो वो भी तो ये करेगा सब ही सर। चीजें, हाँ ये सब चीजें रहती है। फिर आपका चेंजेस बाय एम्प्लॉयर और क्या चेंजेस होते हैं, एक्स्ट्रा वर्क जैसे कैसे हो, कौन कौन से एक्स्ट्रा वर्क कैसे ऐड हो जाते हैं। इंजीनियर और एम्प्लॉयर पुअर जस्टिफिकेशन वाइल रिजेक्टिंग मटेरियल एंड इक्विपमेंट सबमिटल्स, ठीक है। क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है, किस किस वजह से पुअर जस्टिफिकेशन दी है वाइल रिजेक्टिंग मटेरियल, ठीक है, समझ गए। हाँ, मतलब वो जो मटेरियल रिजेक्ट कर रहा है उसका मतलब सही से ठोस कारण कुछ नहीं दिया। हाँ बिल्कुल,